अभी तुम ही बताओ, शादी का वादा सोनाली से और एक्चुअल शादी आलिया से? आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन राइट। लेकिन मैं नर्वस हो गया उस दिन, नहीं पता था कि मैं ये सब तुमसे कैसे कहूं। लेकिन जानते हो, जब मैं घर गया तो सोनाली ने खुद मुझसे कहा कि तुम्हें उन सब को सच्चाई बता देनी चाहिए। कम ऑन निखिल, तुमने जो किया उसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन। देखो, कभी कभी प्यार में किया गया वादा ना प्यार से बढ़कर होता है। और हाँ, अगर ये बात हमें पहले पता होती तो शायद हम आलिया के रिश्ते की बात नहीं करते। एनीवेज, यू बोथ लुक रियली गुड टुगेदर। और अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तुम्हारे शादी का इंतजार होगा। थैंक्स। ये तो जैसे हमने सोचा था उसके उल्टा हो गया। हम में से किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। सारी मेहनत जाया गई, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। प्रज्ञा बेटा, ये तो बता कि क्या देखकर तुझे निखिल पर शक हुआ था? दादी, वो जैसे बिना बताए यहाँ पर आ जाता है। हर तीज त्योहार पर इस घर में आता है और जब भी आता है तनु के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और स्पेशली जब करवा चौथ में मैंने उसे तनु के साथ देखा तो मेरा शक उस पर और स्ट्रांग हो गया। मुझे क्या पता था कि उसकी कोई और ही गर्लफ्रेंड निकलेगी। ये तो वही बात हो गई कि हम जहां से शुरू किया था हमने वापस उसी जगह पे आ गए हैं। ये दोनों कितनी शातिर हैं, सबूत तक नहीं छोड़ा। पर हमारे लिए मुसीबत ये है कि हम ये कैसे पता करें कि वो कौन सा शख्स है जिसका बच्चा उस कलमुही के पेट में पल रहा है। दादी, इस वक्त तो मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तनु खुद बता दे कि उसके पेट में किसका बच्चा है। तनु भला सच क्यों बोलेगी? दादी, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खुद पता करें कि उसके बच्चे का पिता है कौन या उसके खिलाफ सबूत ढूंढे। अब हमें छिप छिप कर पीछे से नहीं बल्कि आगे से वार करना। और बुलबुल का फोन? हाँ, वो दोनों भी आने वाले थे ना, पूछने के लिए फोन किया होगा। हाँ बुलबुल, क्या हुआ दी? निखिल आया तो नहीं ना? देख, हम लोग वहाँ पर 5 मिनट में पहुँच रहे। बुलबुल, अब आने का कोई फायदा नहीं। क्या कोई फायदा नहीं है? मतलब दी तो ऐसे क्यों कह रही है? प्यार करता हूँ मैं सोनाली से और इससे मैंने शादी का वादा किया था। निखिल का तनु से कोई लेना देना ही नहीं है, उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है जिससे उसने शादी का वादा किया, इसलिए वो आलिया से शादी नहीं कर सकता। थी, तेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी क्लू नहीं मिलेगा? थी, अब क्या होगा? मतलब निखिल अगर तनु के बच्चे का बाप नहीं है तो फिर कौन लड़का है जिसने तनु को प्रेग्नेंट किया? अभी तो कुछ पता नहीं, मैं और दादी यही डिस्कस कर रहे थे। मैं एक काम करती हूँ, मैं वहाँ आकर बात करती हूँ। तुम दोनों अभी यहाँ मत आओ, शाम को मिलते हैं, तब तक मैं सोच लेती हूँ कि आगे करना क्या है। ठीक है, रखती हूँ। ठीक है, बाय। अनबिलीवेबल तनु, आई मीन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उस निखिल ने ये सब कुछ कर दिया। हम तो उसे बड़ा स्टूपिड समझते थे, लेकिन उसने कितनी स्मार्टली इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। आई एम बड़ी इंप्रेस्ड विद हिम। हैंडल तो कर लिया, पर क्या किसी ने मेरे बारे में सोचा कि मैं क्या फील कर रही थी उस वक्त? जिस तरीके से वो मेरे पास आ रहा था, आई वाज लाइक मैं बेहोश हो जाऊंगी, मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी। जस्ट रिलैक्स, अब सब कुछ ठीक हो गया ना, तो अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पर तनु, हमें एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा, ये निखिल बहुत ही चालाक चीज है। आई मीन कभी कभी तो मुझे लगता है बिल्कुल हमारी तरह अपना अगला मूव ये पहले से ही प्लान कर लेता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन ये हम लोगों को डिच कर दे। सो वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू आर राइट। तो तुम एक काम करो,
तुम उसे डिनर पे मिलो और तुम उसे बताओ कि एक बार जब भाई का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा उसके बाद तुम उसे शादी कर लो। आलिया, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। बोलने के लिए कहा है, शादी करने के लिए नहीं कहा। एक बार भाई के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी तब की तब देखेंगे कि क्या करना है इसका। एटलीस्ट तब तक तो उसको कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा ना हमें। आप क्या चाहते हैं भगवान? क्यों कर रहे हैं ये सब? आप तो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं ना, फिर मुझे क्यों बार बार हार मिल रही है? इतनी प्रॉब्लम्स के बीच एक होप नजर आई, एक क्लू मिला। उम्मीद बनी थी कि शायद अब तनु का झूठ सबके सामने आ जाएगा और मैं इनको तनु के धोखे से बचा लूंगी। फिर से वही हार। अगर निखिल का तनु से कुछ लेना देना ही नहीं था तो आपने मेरे मन में उसके लिए शक पैदा ही क्यों होने दिया? इतने दिन इसी में वेस्ट हो गए और कोई रिजल्ट भी नहीं है। ऊपर से ये भी पता नहीं कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं और ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ते। मदद नहीं कर सकते? इतना ही बता दीजिए कि मैं किस रास्ते पे चलूं जिससे तनु की पहेली हल हो जाए। प्यार के दरिया में मन डूब जाता है, लब पे पैरा पर एहसानों में वो आई जाता है, अरमानों में वो और सपने भी उसी के। ए दिल मेरे, तू भी उसी का हुआ चाहता है। ओ, ओ, ओ। क्या ये लाइन तो आप पता है ओरिजिनल नहीं है लेकिन सही सिचुएशन पे यूज किया ना मैंने। कौन सी सिचुएशन? यही तुम्हारी सिचुएशन। देखो तुम्हें देखकर तो सब कुछ साफ साफ पता चलता है, इसलिए छुपाने की कोशिश मत करो। प्यार हो गया मुझसे। आप ये ना फिजूल की बातें करना बंद कर दीजिए। फिजूल की बातें नहीं, सच है ये। और मैं जो भी कहता हूँ ना सबूत के साथ कहता हूँ। अरे तुम्हें देखकर साफ साफ पता चलता है, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल की बात ना तुम्हारे चेहरे पर छुप गई है, इसलिए तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई भी बता देगा कि तुम्हें तो एकदम भारी वाला प्यार हुआ है मुझसे। क्या दिख रहा है आपको मेरे चेहरे पे? कौन से एक्सप्रेशन से आपको लग रहा है सर? अरे हर एक एक्सप्रेशन से। देखो फिल्मों में हर कहानी में प्यार तो ऐसे ही होता है ना, जब इंसान खोया खोया सा रहता है, अपने आप से बातें करने लगता है। मैं अपने आप से बातें कर रही थी। हाँ। कुछ भी मत बोलिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान लूंगी? ये जो आपके तरीके हैं ना ये पुराने हो गए, आप कोई नई ट्रिक क्यों नहीं यूज करते मुझे परेशान करने के? ओ ग्लैमरस साड़ी वाली, मुझे पता था तुम यही बोलोगी। पर जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कोई भी बात बिना सबूत के नहीं करता, सबूत भी है मेरे पास। अच्छी लग रही हो। वैसे तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं बताता हूँ। हे भगवान, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? तुम तो हमेशा सच्चाई का साथ देते हो। चलता है ना नया तरीका, एकदम असरदार। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? चलो अब मान भी लो यार के हो गया है तुझको तो प्यार सच्चे। मैं तो लवली हो गई यार, नाम तेरे फड़के, नाम तेरे फड़के। मैं तो क्या भगवान से खाना मांग रही थी है? नहीं, मैं जो इसमें आपने देखा वो, मैं मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैं गालियां दे रही थी। आप किसी को भी ये वीडियो दिखाइए और उनसे पूछिए, हर इंसान यही बोलेगा कि मैं गुस्से में किसी को गालियां दे रही। निशानी नंबर टू। पता है जब इंसान को प्यार होता है ना तो इसी तरह बातें भी छुपाने लगती है। बस कीजिए, अब आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ ये चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं? दिनों से ये प्यार प्यार का नाटक क्या लग रखा है? देखिए जो भी बातें आप पॉइंट पे आइए ना, चाहते क्या है, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? अब चुप हो गए, कुछ तो बोलिए, जवाब तो दीजिए कम से कम। अब जवाब
मैं तुमसे लूंगा। वो भी तीन शब्दों में। इसके अलावा ना मुझे और कुछ सुनाई थोड़ी ना देगा। वेरी गुड। अभी जवाब नहीं है बेटा तेरा, अब जा रहा है तू सही रास्ते पर। बस कुछ दिन और प्यार का झंडा उठाए रख, इसे तेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। इनकी हरकतें तो दिन ब दिन अजीब ही होती जा रही है। ऐसे तो मेरा दिमाग काम करेगा ही नहीं और मैं मकसद पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। दादी से बात करती हूँ। प्रज्ञा मैम। मैम जूस। किस लिए? मैंने आपको बताया था ना, सर ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। तूने फिर से इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? मैम आपको अभी तक मुझ पर यकीन नहीं हुआ, मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था। आपने देखा ना, जब सर ने उसे फूल ढूंढने के लिए कहा तो वो झट से ठीक हो गया। मैम वो हमेशा मुझे फंसाने की कोशिश करता रहता है। इसकी तो हिम्मत बढ़ती जा रही है, धीरे मेरी चुगली कर रही है। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। तुम ठीक कह रही हो। मैं रॉनी इधर आओ। इधर क्या खड़े हो? तुमने सुना नहीं मैंने कहा ना इधर आओ। यस मैडम। देखो रॉनी, मैंने जो पोजीशन तुम्हें दी है उसका तुम फायदा उठाने लगे हो। आप रॉकस्टार अभी मैडम एट योर सर्विस। मैंने रॉनी को आवाज दी थी ना, आप क्यों आए? रॉनी हो या मैं, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सर्विस से मतलब है ना, और आपको आपका सर्विस मिल जाएगा। मतलब आप मुझे रख दो अपना पर्सनल असिस्टेंट, रॉनी के बच्चे को छुट्टी पे भेज दो। लो पायल क्या कम थी जो अब अभी सर भी मेरी जॉब के पीछे पड़ गए। बेटा रॉनी, तेरी कुंडली में राहु केतु एक साथ बैठ गए, कुछ कर। आप मजाक कर? मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। देखो शाम का मसाज, रात का सोना और सुबह की चाय सब मिल जाएगा आपको। मतलब आप एक चांस तो दीजिए। इनफैक्ट आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं। आप जो सोच, तुम काहे देख रही हो? चल हाँ, अगर आप कुछ सोच भी लेंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रही है। तो आपको तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, आप सोच लो एंड कंसिडर इट डन। जैसे कि ये जूस। आप ना अपनी असिस्टेंट को मेरी जगह अपना ख्याल रखने के लिए बोलिए, क्योंकि आपका ना दिमाग खराब हो गया। हाँ, और ये जूस भी ना आप पी लीजिए। ओके मैडम, सर्विस मैडम। इतनी देर से मुगैम्बो रूम में नहीं आई, कहीं डर के मारे रूम तो चेंज नहीं कर दिया? अगर रूम चेंज कर लेगी तो फिर मैं उसे पटाऊंगा कैसे? अरे मेरे पैसे मुझे वापस कैसे मिलेंगे? नहीं, कैसे भी करके ना शिकार को अपने इलाके में लाना ही होगा। अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तनु अभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। चलो इधर आओ। क्या यू कर क्या यू? बोल कर भी तो अंदर ला सकती थी, खींचने की क्या जरूरत है? और अगर उस लेडी मुकाम में उन्हें देख लिया होता तो क्या कर लेगी वो? क्या कर लेगी कि क्या मतलब है? अरे मैं उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसने तुम्हें मुझे ऐसे खींचते हुए देख लिया ना तो उसे उसे डाउट हो जाएगा कि मैं डबल टाइम कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम ये नहीं सोचती हो, तुम वो नहीं, तुम कुछ नहीं सोचती हो रे। सॉरी अभी, मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूँ ना, और वैसे भी तुम्हारे जितने जल्दी मैं कैरेक्टर में नहीं जा पाती हूँ। वैसे मैं तुम्हारी हेल्प करने आई थी। हेल्प? कैसी हेल्प? ये मैं पेपर्स लेके आई, इन पेपर्स पे प्रज्ञा की साइन करवा लो, फिर तुम्हें ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं और तुम्हारी ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस मिल जाएगी, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या कर रही हो तुम? पीछे हटो। देखो ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं पेपर्स उसे दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसे शक हो गया है कि उसे पटाने के पीछे मेरी कोई इंटेंशन है। अब ऐसे में अगर मैं ये पेपर जाकर उसके सामने रख दूँ ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तुम ये पेपर्स अपने पास रखो, सही वक्त आने पर मैं ये पेपर्स तुमसे ले लूंगा। ऑलराइट? लेकिन सही वक्त कब आएगा? अभी तुम एक लड़की नहीं पटा सकते। अरे लड़की पटाना है, पेड़ से आम थोड़ी तोड़ना है। वैसे भी तुम जानती हो ना कि वो कैसी है, एकदम जलेबी बाई है वो। जलेबी बाई? जलेबी की तरह टेढ़ी है। अब रोज एक नया आइडिया बनाना पड़ता है, रोज उस पर आजमाना पड़ता है, और ऊपर से तुम ही मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो ना,
एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आएगा? तुम एक काम करो, तुम जाओ, मुझे अभी एक मास्टर प्लान के बारे में सोचने दो, क्विकली कम अभी। अरे कम ऑन, अब चलो, तुम चलो। वो क्या बोल रही है? अभी तो क्या हुआ, मैं उसे उल्लू बनाऊंगी। मुझसे नहीं, तुम मुझे उल्लू बनाओगी। तुम चुप जाओ, इधर इधर खा चुपोगी, उधर चलो। अरे इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? अगर उसे कोई और लड़की पसंद है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? वो माँ, हमें आलिया से कोई लेना देना था ही नहीं। हमें लेना देना था तो उस निखिल से उसने हमारे सारा प्लान चौपट कर दिया पूरा। प्लान? किस प्लान के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? मुझे कुछ बताओगे भी कि मेरे बिना पूछे कुछ कुछ प्लान बनाते रहते हो? बोलो तो सही। वो एक्चुअली माँ, ये वो प्लान है। आंटी जी, मैं बताता हूँ ना, वही प्लान। और कौन सा प्लान? मैं बताता हूँ ना, हम माल्या के बारे में बात करें। एक्चुअली आंटी जी, हम ना उसका रिएक्शन देखना चाहते थे कि वो अपनी खुद की शादी के बारे में क्या सोचती। अगर तो वो अपनी खुद की शादी के लिए मान गई निखिल के साथ, तो वो शादी वाले दिन क्या करेंगे? और अगर वो शादी कर लेती है तो हमारे लिए अच्छा है ना आंटी जी? मतलब मेरे और बुलबुल के लिए तो रास्ता खाली है, हम तो शादी कर सकते हैं, वी वॉन्ट टू। बट उस निखिल ने आके ना पूरा प्लान खराब कर दिया। अब हम जान ही नहीं सकते कि आलिया का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका प्लान क्या है, वो सोचती क्या है। तो प्लान खराब हो गया। सच में यही बात है, पर इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है? देखो, अब आलिया की शादी की बात निकली है ना, तो तुम दोनों एक काम करो, तुम उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, कोई ऐसा लड़का जो उससे शादी करने को तैयार हो जाए। बस फिर क्या, वो शादी के लिए हाँ करेगा, फिर तुम देखना कि वो क्या कहती है। व्हाट अ सुपर आइडिया आंटी जी, यू ग्रेट। क्यों बुलबुल? ग्रेट आइडिया। मैं तो भूल ही गई, मैंने ना तुम दोनों के लिए देसी घी के वो बेसन के लड्डू बना के रखे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। कछुए की तरह टाप रही हो, अंदर जाओ। क्या कर रहे हैं? ये इशारे क्या? डांस कर रहा हूँ, डांस। डांस? मुझसे झूठ मत बोली, मैंने देखा था आप उस तरफ दीवार की तरफ ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे और दीवार से आप दीवार से बात कर रहे थे। भैया, आप कहीं वाकई पागल तो नहीं हो गए? कुछ दिनों से आपकी हरकतें अजीब है और आपके रंग ढंग भी बदल गए। आपको दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास ही तो, लेकिन ये डॉक्टर मेरा इलाज ही नहीं कर रहा। कब से मैं उसे अपने हाले दिल सुना रहा हूँ, लेकिन वो उसे अनसुना कर रहा है। मैं उसे अपने दिल का दर्द दिखा रहा हूँ, लेकिन उसे अनदेखा कर रहा है। सच बोल रहा हूँ, उसे झूठ लग रहा है। ऐसे में डॉक्टर ने मुझे खुदा की जरूरत है, वही सच समझेंगे मेरी सच्चाई को। ये तो फिर शुरू हो गए। अब एक ही तरीका है, कुछ दिनों के लिए कमरा बदल लेती हूँ। इलाज नहीं तो कम से कम एक जादू की छुट्टी तो दे दो। तुम्हारे फूल जैसे भाव के टच थेरेपी से मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। ये डॉक्टर फूलों से नहीं, कांटों से इलाज करती है। कांटों का क्या है, बस इसी तरह मुझे प्यार से देखती रहो, तुम्हारी आंखों के खंजर से मैं यूं ही मर जाऊंगा। क्योंकि अब ये दर्द सहा नहीं जाता, तुम्हारे बिन रहा नहीं जाता। किमी आंख, ये आवाज ऊपर से आ रही है। ऊपर से नहीं, यही कुछ गिरा है। ओह गॉड, ये क्या हो गया? अगर प्रज्ञा ने पेपर देख लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, फिर अभी का सारा गुस्सा मुझ पे निकलेगा। मैं
मैं कब से तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें मेरी प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। किस मिट्टी की बनी हो तुम? किसी का दुख देखकर तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? कोई 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 फीलिंग्स नहीं बची है ना तुम्हारे अंदर? मैं वो नीचे। अरे तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं है ना सही, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है तो ना सही, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं जी सकता, नहीं जी सकता मैं ऐसे। कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, तो अब मुझे मेरा सुकून खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना। मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। निकल गए। क्या? कुछ नहीं। पागल हो गए? मैं मर जाती तो ये क्या है? पता नहीं क्यों तुमने देखकर मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। जब भी तुम मेरे सामने आती हो तुम। अरे ऐसे प्यार करते हैं? ये तो जबरदस्ती है। ऐसे कैसे मेरे परमिशन के बगैर मुझे हाथ कर सकते हैं? और नहीं तो क्या? नहीं आप माफ नहीं करूंगी मैं आपको। अरे ये लड़कियां को घास डालो तो ये भाव खाने क्यों लगती है यार? अब पटाने से पहले मनाओ, पता नहीं कितने दिन ये नौटंकी करनी पड़ेगी यार।